गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। मेरे एक नहीं तीन प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है कि जब आरती गाते हैं तो आरती में लिखा है राम जी नगरिया राम की बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। राम जी की नगरिया अयोध्या है तो अयोध्या में सरयू बहती है, तो फिर वहां पर गंग का तीर क्यों कहा गया? बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। फिर से एक बार पूरा दोहा बोलो। राम जी नगरिया राम की बसे गंग के तीर यानी किराना, अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। ठीक है, और बढ़ो। पहला प्रश्न यही है, आप इसका उत्तर दे तो फिर मैं दूसरा। अच्छा हाँ, मतलब देख के देखो क्या? नहीं देख के नहीं गुरुदेव। हाँ नहीं, ये भी ठीक है, को उत्तर लेवल को आ रहो के नहीं आ रहा। चलिए बहुत अच्छा। क्या नाम है आप? दुर्गेश शुक्ला। सुनिए, ये आरती नहीं है, स्तुति वंदना है। जी ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये बात अयोध्या के लिए नहीं कही गई है, ये बात राम जी की जहाँ कथा होती है वहाँ राम जी नगरिया बना करके मन मंदिर में बैठ जाते हैं, उस मंदिर मन मंदिर की जो हाजिरी है, जो पहरेदारी है, वो हनुमान जी चौकी करके करते हैं, और सत्संग गंगा की धारा का किनारा होता है, उसके लिए इस वंदना का उल्लेख किया। धन्यवाद। अब अगर लेवल को मिल गया हो तो बढ़ो। दूसरा प्रश्न गुरुदेव ये था, हाँ, जो जगत गुरु होते हैं उनका काम क्या होता है, कर्तव्य क्या है? बड़ा प्रश्न कर दिया यार। ठीक है, और बड़ा, जब पूरे जो हिंदू राष्ट्र को चलाने वाले, जो सनातन को चलाने वाले, जो धर्म गुरु होते हैं, या शंकराचार्य जी को मान लो इत्यादि, जो भी गुरुदेव जो बड़े पद पर होते हैं, उनका कार्य होता है पूरे सनातन को चलाने का, तो गुरुदेव जब इनका कार्य सबको चलाने का, तो जिस प्रकार से जब ईद आती है या मुहर्रम आता है तो अफगान में वो फैसला हो जाता है कि आज चांद दिख गया, तो पूरे हिंदुस्तान में ईद इत्यादि मनाई जाने लग जाती है, तो ऐसा हमारे सनातन धर्म में क्यों नहीं हो रहा है कि अगर एक ऐसे कुछ पॉइंट बन जाए जहाँ से ये नोटिफिकेशन मिल जाए कि आज के दिन ही होली जलेगी, तो वो सारे सनातनी जलाने लग जाए? प्रश्न बहुत तार्किक, बहुत सुंदर है, क्योंकि गुरुदेव स्वीकार योग्य है। अभी जो होली आई है उसमें किसी ने 6 को बनाए, किसी को 7 को, बड़ी भ्रांति देती है। सुनिए, उसमें हमारे केवल जगत गुरुओं का और शंकराचार्यों की कमी नहीं है, वहां तो कमी है ही है, हम लोग भी अपने अपने मतानुसार भावों को अपने गुरुदेवों को या अपने मानने वाले को ही सर्वोसर्वा मान लेते हैं, हम लोगों के मतभेदों के कारण ये भ्रांतियां फैलती हैं। हमारे आचार्य, हमारे महापुरुष किसी भी विषय से, हम उनके किसी भी वस्तु विषय पर नहीं बोल सकते, और कार्य अधिकार पर बोलने का हमारा अधिकार नहीं है, एक शब्द में इतना कह सकते हैं कि हमारे धर्म के जितने भी आचार्य हैं और हमारे सनातन के भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, शास्त्रीय पद्धति और पंचांग रीति को ही उत्तम माने, कैलेंडर आदि और मोबाइल आदि डिस्टर्ब कर देता है, शंकराचार्य कभी डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे हमको एक व्यक्ति ने समझाया था बहुत अच्छी, एक हमारे मित्र हैं, हम कई बार मोबाइल पर कोई चीज़ भेजते थे तो हम उसको ही सत्य मान लेते थे, तो उन्होंने समझाया कि जरूरी नहीं है कि जो व्हाट्सएप पर चल रहा वो सत्य हो, व्हाट्सएप पर तो मन मुताबिक मनमुख भी चलाया जा सकता है, जो शास्त्र में है वही सत्य माना जाए। तो जब तक हमारे भारत के हिंदू वैदिक परंपरा की ओर वापस नहीं लौटेंगे, हम यही तो चिल्ला रहे, पंचांग रीति को पुनः नहीं मानेंगे, पंचांग अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक यह एक मत होना असंभव है, क्योंकि केवल एक पंचांग ही ऐसा है जो एक सी ही बात बोलता है, बाकी कैलेंडर और पंचांग दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। समझ गए जी गुरुदेव? तीसरा प्रश्न ये था, जिस प्रकार से हम लोग सनातनी जो है तो धर्म गुरु की चर्चा को ही मानते हैं, धर्म गुरु की बात को ही सुनते हैं, तो इसमें गुरुदेव आज ये प्रश्न भी मैं करना चाहता हूँ कि व्यास मंच पे जो विदुषियाँ बैठती हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ भी नहीं गुरुदेव। क्यों? हम बहुत ही कम अपने धर्म के लोगों के बारे में खींचातानी करते हैं। गुरुदेव खींचातानी नहीं है। नंबर 2, महिलाओं को
अनुष्ठानात्मक गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, परंतु प्रवचन करना व धर्म का जागरण करने का अधिकार है। तो गुरुदेव धर्म का प्रचार प्रसार तो जगह जगह जाकर भी कर सकते हैं, व्यास मंच पर बैठकर ही क्यों? ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाला विषय है, इस पर बोलेंगे तो कल ही काले झंडा लेके निकल लगे। तो गुरुदेव हम इस देश में एक कानून है वुमन, अच्छा गुरुदेव इसीलिए क्षमा करो, लेकिन आपका विषय बहुत तार्किक है और आप धन्यवाद के पात्र हैं, उनको ताली बजाकर धन्यवाद।